त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के इस खास स्पेशल शो जिसका नाम है गांव की सरकार R9 भारत आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ है, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड और क्या है जनता की राय। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड की छपरदागा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी शोभा देवी ने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया, साथ ही साथ बाइक रैली भी निकाली। वहीं शोभा देवी ने बताया कि मौका मिला तो अपने छपरदागा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत और मैं हूं अमित चौधरी। अभी हम मौजूद हैं डंडा प्रखंड के छपरदागा पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी श्रीमती शोभा देवी जी। आइए उनसे बात करते हैं। लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज अभी हमने देखा कि आज इनका बाइक रैली भी था। क्या लग रहा है, स्थिति पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या स्थिति बना हुआ है? क्या है, जनता का सहयोग इस बार मिल रहा है? बहुत जल्दी मिलेगा। यदि जनता इस बार आपको कुर्सी देती है तो क्षेत्र में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? विकास करेगी। विकास की है। आइए, उनके पति हैं संतोष जी, क्या लग रहा है पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं? अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है, हम समझते हैं जो पूरे छपरदागा पंचायत में जो जन समर्थन मिल रहा है, हम जनता को उम्मीद रख रहे हैं, जनता के विश्वास दिला रहा हूं। इस बार जनता की जब जन समर्थन मिल रहा है, जनता के लिए बहुत कहिए जो बड़ा कदम और बड़ा जो विकास गति बढ़ाना था, उस गति को मैं बड़ी धरने से पंचायत को विकास करेंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है पूरे क्षेत्र में घूम रहे। मैं छपरदागा पंचायत से बोल रहा हूँ कि इनका बहुत दिल तो रहा, उम्मीद तो है जनता का, क्या जनता का सहयोग मिलेगा इस बार? कुछ विकास पहले से जी बढ़ करके कुछ करेंगे।